मुझे अपने YouTube चैनल पे कई प्रश्न आते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेल्स के बारे में। हालांकि अगर सिर्फ थ्योरी बोलने की बात होती तो मैं खुद बोल चुका होता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ थ्योरी बताऊं, क्योंकि ये तो कोई भी गूगल करके पता कर सकता है या फिर कुछ किताबें पढ़ सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैं उनको बुलाऊं और उनसे बात करूं। और इसके लिए मैंने चुना है, मेरे मित्र हैं विवेश मिश्रा। इन्होंने काफी समय, तकरीबन 6-7 साल बिताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं किया है, थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये पुणे यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, उसके बाद इन्होंने सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन वैमनिकॉम से MBA किया है मार्केटिंग में, उसके बाद RK फूडलैंड ज्वाइन किया। ये मेट्रो कैश एंड कैरी और बिग बाजार में लीडरशिप पोजीशन पे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपना एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टअप के वर्ल्ड में आप लोग जो भी हैं या थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जानते हैं, स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सक्सेसफुली चलाना और एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है। इन्होंने ये दोनों ही किया है। उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आ गए। अब मेरा इसमें खुद का भी इंटरेस्ट ये है जानने में कि इतना सब करने के बाद ये कैसे एक्साइटेड हुए इस चीज में, कि इनको क्या इंस्पायर किया इनको कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। तो विवेश, आप इस पे कुछ अगर बताना चाहें मुझे और मेरे दर्शकों को कि आपको क्या इंस्पायर किया, क्यों लोग इसमें जुड़े, जैसे आप जुड़े होंगे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग वैसे ही इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि आपका करियर बहुत सक्सेसफुल रहा है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए इनवाइट किया। और जितना मैं आपको जानता हूं कि आपने अपने रिसर्च में, अपने नॉलेज में बहुत थॉरो रहते हैं, तो आपने मुझे कंसीडर किया, इसका मतलब है ये मेरे लिए एक प्राइड की बात है। थैंक यू फॉर दैट। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं मेरे। यस, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग एंड इंस्पिरेशन, कुछ यूं कहें सर कि जिंदगी की कुछ जरूरतें थी जो मुझे यहाँ खींच लाए। जरूरतें क्या थी, जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि थैंक्स गॉड मेरा कॉर्पोरेट का लाइफ भी काफी अच्छा रहा, काफी सक्सेसफुल स्टिंट रहा। उसके बाद जब मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में आया तो वो भी ऊपर वाले की दया से काफी अच्छा रहा, और बिजनेस चलाया, बिजनेस को एग्जिट किया, सारी चीजें हुई। बट एक जरूरत थी जो हमेशा खलती थी कि अपने लिए वक्त नहीं होता था। पैसे तो शायद अपन कमा लेते थे, और अगर इंडिया के स्टैंडर्ड से देखें तो शायद काफी अच्छा भी कमा लेते थे, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। खुद के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए वक्त नहीं होता। एक प्रेशर हमेशा हुआ करता था, जिसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस कहते हैं। पीस ऑफ माइंड नहीं हुआ करता। यस, और धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ कि जिंदगी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस होना जरूरी है, बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदगी को जीना। वो एक फेल्ट नीड था, एक जरूरत थी। और ढूंढते ढूंढते वक्त के बहुत सारे थपेरे खाते हुए हम यहाँ पहुंचे। तो ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहूंगा जो जिन्होंने इतनी समझ दी कि इस इंडस्ट्री को समझ पाया। ऑफ लेट समझ आया, अगर 22-23 साल की उम्र में समझ में आ जाता तो शायद ज्यादा बेहतर था, बट क्या पता ऊपर वाले को यही मंजूर था कि हमें इसी वक्त में समझना था। दूसरी एक बिल्कुल और बड़ी जरूरत थी। हाँ यस, दूसरी और एक इससे भी बड़ी जरूरत थी कि फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, किथ एंड किन जो क्लोज लोग हैं, उनके लिए क्या हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां वो मेहनत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। कोशिशें तो हमने कॉर्पोरेट में भी की, बहुत नहीं कर पाए। उसी पर्पज से हमने स्टार्टअप शुरू किया कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, बट बहुत सारे लोगों का कुछ कर नहीं पाया, हो नहीं पाया। जब हमने रिसर्च किया, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझा, मुझे लगा कि ये एक जगह है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी जिंदगी तो बदल सकते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जहां पे वो मेहनत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर करें। कुछ यूं कहूं तो जिंदगी तो बड़ी अच्छे से कट रही थी सर, कॉर्पोरेट में भी और स्टार्टअप में भी, बट अपने शर्तों पे जिंदगी जीने की एक चाहत थी जो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में खींच लाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये सही कहा है कि आफ्टर यस सर, ऑल फैमिली के साथ टाइम देना बहुत जरूरी होता है। हम पैसा कमाते आखिरकार किसके लिए, अपनों के लिए कमाते हैं।
अगर हम वो अपनों के लिए ना कमा पाए तो फिर उस पैसे का क्या मतलब, ट्रू और उस जिंदगी अगर अपनों के लिए हम ना रह पाए तो उस जिंदगी का क्या मतलब। अच्छा विवेश, मुझे ये बताइए कि सबसे पहला शुरू तो यहीं से होता है कि ठीक है आप ये चाहते थे कि आप फैमिली के साथ समय बिताएं, लोगों के लिए कुछ कर पाएं, तो लोगों के लिए कुछ करने की जब बात आती है तो उन लोगों को आप चुनते कैसे हैं कि जिनके आप अपने साथ जोड़ेंगे। मैं अगर सिंपल सेल्स की लैंग्वेज में कहूं तो लीड जनरेशन कहूंगा। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से हैं तो आप इसको क्या वर्ड यूज करते हैं और कैसे लोगों को चुनते हैं और कैसे उनको कन्विंस करते हैं अपने साथ जुड़ने के लिए, कैसे वो अपना विजन, आपका विजन जो है वो उसको अपना विजन बनाते हैं और आपके मिशन में आपके साथ हो लेते हैं, ये थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताइएगा। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट को टच किया है। नेटवर्क मार्केटिंग के लैंग्वेज में इसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, मार्केटिंग के लैंग्वेज में इसको लीड जनरेशन कहते हैं, जो हम पहले ही करते थे। यस, अगर आप मेरे से पूछें और नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को हम अगर अच्छे से समझें तो लीड जनरेशन की शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। आप कहेंगे क्यों, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के बाद लीड जनरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता जितना हम इसको दूर से देखने पे लगता है। हम और आप जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 40 साल इस जिंदगी को दिया है, 15 साल, 20 साल कॉर्पोरेट में हमने काम किया है, स्टार्टअप में काम किया है, हम सब लोगों के पास एक अपना नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके टच में है, कुछ लोगों के टच में नहीं है, बट हम एक दूसरे को जानते हैं। नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दूसरा, इस सोशल मीडिया के दौर में मेरे हिसाब से शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो 300 से 500 लोगों के कनेक्ट में नहीं होगा। तो हमारे पास नेटवर्क तो ऑलरेडी है, अब जरूरत यह है कि क्या हम उस नेटवर्क को अनलीश कर पाते हैं इनकम जनरेशन के लिए। सर, अगर आप किसी कॉर्पोरेट की बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें, तो क्या है, एक नेटवर्क जनरेशन ही तो होता है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने जिन्हें बिजनेस फैमिली है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए कस्टमर का नेटवर्क ही तो क्रिएट करते हैं, और वो कस्टमर का नेटवर्क उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ अलग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक छोटा सा काम होता है जिसको कहते हैं लिस्ट बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट काम है और 100% हमारे कंट्रोल में होता है। काम क्या है, हमें उन सारे लोगों का नाम लिखना है जिनको हम जानते हैं। जनरली 300 से 500 लोगों को हर आदमी जानता है। कुछ चीजें हैं जो हमें यहां तक ले आई है, जो हमारे समझ में आई है, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में है कि ये पर्टिकुलर चीज हमें चाहिए जिंदगी में, और ये हमें और कहीं भी नहीं मिल सकती, केवल नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। मेरे लिए वो वर्ड था टाइम फ्रीडम। पता नहीं ऊपर वाले ने कितनी जिंदगी दी है, एक जिद थी कि अपने शर्तों पे जिंदगी जीनी है। जितना भी वक्त ऊपर वाले ने दिया है उसको अपने हिसाब से जीना चाहता था और वो नॉन निगोशिएबल था। इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस होने के बावजूद भी स्टार्टअप शुरू किया, स्टार्टअप में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वहां से एग्जिट करके नेटवर्क मार्केटिंग में आया। अभी ये प्रोस्पेक्टिंग या लीड जनरेशन क्या है, गौर से देखें, हमें केवल एक काम करना है कि हर आदमी के अंदर उनकी कुछ जरूरतें होंगी। आज के दौर में अगर देखें तो हम बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों ने उन जरूरतों को दबा दिया है, जिन्हें हम सपने कहते हैं, जिन्हें ड्रीम्स कहते हैं, उनका गला घोंट दिया है। तो अब हम उन्हें नीड्स तो शायद नहीं कह पाएंगे, बट यस, एक लेटेंट नीड है जिसको हमें जगाना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है कि आपको ये चाहिए तो क्यों चाहिए। चाहिए सबको, पैसे चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फैमिली के साथ वक्त बिताने का, वर्ल्ड टूर चाहिए, घूमना है, अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, हर चीज उन्हें चाहिए। बचपन में जब हम सपने देखते थे ना, तो हमारे सपने बहुत बड़े होते थे, हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना, हम उस उम्र में आए जहां पैसे कमाने लगे और रियलिटी बाइट किया, तो हमारा BMW कार, मारुति अल्टो में तब्दील। सही हमने बात। अपने इनकम के सोर्स को बड़ा कम करना जरूरी नहीं समझा, हमने अपने ड्रीम को छोटा कर लिया।
हम्म, तो मैं बिल्कुल ये बिल्कुल कहूंगा कि वो सपने, वो ड्रीम, वो लेटेंट नीड तो सबके पास है, जरूरत है उन्हें वापस से उन्हें एहसास कराने का कि ये आपको चाहिए जो कभी आप ढूंढा करते थे। तो दो चीजें हमें करनी होती है। नंबर वन, लोगों के लिस्ट बनाने, हमारे जितने लोगों को हम जानते हैं अगर उन्हीं से हम ये शेयर कर लें और उन्हें इफेक्टिवली समझा पाए तो एज लीड जनरेशन एक्टिविटी, एज ए मार्केटिंग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आज के दौर में मैंने मेंशन किया है कि सब लोग 300 से 500 लोगों को जानते हैं, सोशल मीडिया है, सब लोग फेसबुक से जुड़े हैं, राइट, इंस्टा से जुड़े हैं, है ना, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, तो लोगों की नेटवर्क उनके पास है। जरूरत है कि उसमें से हम उन लोगों को चुने, उन्हें चुनने के बाद एहसास दिलाएं कि आपकी क्या जरूरत है और आपकी जरूरत को पूरा करने का नेटवर्क मार्केटिंग शायद एक बेहतर प्लेटफॉर्म। अगर हम उन्हें यह समझाने में कामयाब हो गए तो हमारे कस्टमर भी बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कस्टमर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, प्रोस्पेक्ट कहते हैं, okay. आप जो वर्ड्स के बारे में पूछ रहे थे, बट अगर आप मेरे से पूछे तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग योर बिजनेस पार्टनर्स। ना तो हमें कस्टमर के पीछे जाना चाहिए, ना हमें प्रोस्पेक्ट के पीछे जाना चाहिए, हमें ढूंढना है पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सीरियस बिजनेस। यस ऑफ कोर्स, शायद जितना मैं समझता हूँ, यस, और जितना मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी भी बिजनेस जितना ही सीरियस बिजनेस, किसी भी दूसरे बिजनेस के जितना, राइट, श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी चीज आपने कही कि वो हमारे विजन को कैसे अपना लेते हैं, तो सर मैं कहना चाहूंगा कि हम उन्हें अपना विजन तो बताते हैं बट उसका पर्पस केवल ये होता है कि हम उन्हें उनका विजन एहसास करा सकते। ओके, इस दुनिया में, यस, इस दुनिया में हर आदमी यूनिक है, हर आदमी एक अलग पर्सनालिटी है, हर आदमी की जरूरतें अलग अलग। किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी ने पैसा कमा लिया है तो उसे टाइम फ्रीडम चाहिए, कोई फैमिली के सिक्योरिटी के लिए परेशान है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उसे ये चिंता सताई जा रही है कि कल को मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली में इनकम कहां से आएगा। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि चलो मैं कमा रहा हूं तब तो फैमिली चल रही है, कल बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा। और शायद इन सारे प्रश्नों का, सारी चिंताओं का समाधान नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। तो हमें जो काम करना पड़ता है कि जिस बिजनेस पार्टनर को हमने चुना है उनके साथ हमें बैठ के एक्चुअली उनका विजन क्लियर करना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, और हमें ये उन्हें एहसास कराना होता है कि आपके सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पे है। अगर हम कराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे साथ होते हैं और काम करते हैं। तो बेसिकली आप मैं ये कहना चाहता कि आप अपने विजन और उसके विजन की कॉमनैलिटी ढूंढते हैं, और इस तरीके से एक एक टिपिंग पॉइंट होता है जहां से आप फिर उसके माइंड में, उसके साइके में एंटर करते हैं और कहते हैं कि ये विजन जो है वो आपको, ये बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा आपके विजन को अचीव करने में, आपके लाइफ के पर्पस को अचीव करने में। एम आई राइट, मैं सही बोल रहा हूँ अगर मैंने सही समझाया तो? आपने ये उसको टच किया है तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। सर अगर आप गौर से देखें तो हर आदमी का ही एक कॉमन विजन है। आप जिसकी भी बात करें उनको लाइफ में दो चीज तो चाहिए ही चाहिए, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। यस यस फॉर श्योर, माय राइट, यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो वो सबको चाहिए, सबको अपनी जिंदगी में चाहिए। और अगर गौर से देखें तो हम उन लोगों की बात छोड़ भी दें जो बहुत पैसे नहीं कमाते, जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, हम उनकी भी बात करें जो इंडिया में कॉर्पोरेट में बिजनेस में अच्छे पैसे कमाते हैं, उस भी एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ की है ही। यस 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 बिल्कुल। और उस हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जीने के लिए कम से कम दो फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसा चाहिए और आपको उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम चाहिए। बिल्कुल 100% तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सर 99.9% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ये दोनों नहीं है।
95% लोग तो अपनी जरूरत के रैट रेस में ही फंसे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा पैसे ही नहीं कमा पा रहे, जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। कुछ 2-4-5% जो लोग हैं जो शायद पैसे तो कमा रहे हैं, उस पैसे कमाने में वो इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी जीना भूल गए हैं, या फिर उन्हें समय ही नहीं है जिंदगी जीने का। तो परेशान तो वो सारे लोग हैं, बिल्कुल, और यही हमें उन्हें एहसास देना होता है कि आपकी परेशानी है जिसको आपने जिंदगी का पार्ट मान लिया है कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, पर इट्स नॉट लाइफ। जिंदगी काटने में और जिंदगी जीने में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बिल्कुल। ये फर्क हम उनको समझा पाते हैं तो हमारे साथ होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद विवेश। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं विवेश के साथ बार बार जुड़ता रहूंगा, और ये वीडियो मैंने जानबूझकर छोटा रखा है कि आप जरूर सुने विवेश को और उससे सीखें, इसी पर्पस से इसको छोटा रखा। लंबा होगा तो शायद आप सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, या कुछ दिनों बाद शायद उसमें भी इंटरेस्टेड हो। छोटा रखने का पर्पस यही है कि आप उसको समय निकालें और सुने। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, और मैं विवेश को ये सारे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, बार बार जुड़ता रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपका इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, जितना भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाए, और विवेश आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। धन्यवाद विवेश जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम सर, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू अगर हम कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा। उम्मीद है कि कुछ लोग तो इसमें अपने लिए कुछ कुछ जरूर ढूंढ निकालेंगे। धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक रास्ता तो दिखाया है, और मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप से भी मिलेगा तो मैं ये पॉइंट, ये सारी बातें मैं उनको कन्वे कर पाऊँ, और निश्चित रूप से जब हमने ये वीडियो बनाया है और जब मैं इसको अपलोड करूंगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनको ये आंसर तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। धन्यवाद विवेश, फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, निश्चित रूप से जुड़ूंगा नए सवाल के साथ, और जुड़ता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।